नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में दोनों संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोनभद्र से अपना दल एसके सांसद पकौड़ी लाल कोल द्वारा ब्राह्मण एवं क्षत्रिय समुदाय पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर पकौड़ी लाल कोल पर कार्रवाई की मांग की। जी हां, आपको बता दें, जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद क्षत्रिय एवं ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने पद मार्च करते हुए एसपी कार्यालय का घेराव किया, जहां पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्रक सौंपा। पुलिस अधीक्षक की गैर मौजूदगी में सीओ सदर को पत्रक सौंप कर कार्यवाही की मांग की। इस दौरान उपस्थित लोगों की पुलिस से वार्ता हुई। दोनों समाज के लोगों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो पुनः वह प्रदर्शन और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन के उपरांत आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा कि सांसद पकौड़ी लाल कोल का बयान संसदीय गरिमा के विपरीत है। उनका अपराध महज माफी मांगने से कम नहीं होता, बल्कि संवैधानिक नियमों के हिसाब से उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए तथा अपना दल एसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल द्वारा सांसद पकौड़ी लाल कोल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट सुनील कुमार पांडे ने भी उक्त प्रदर्शन में शामिल होते हुए कहा कि यह लड़ाई क्षत्रिय एवं ब्राह्मण समाज की अस्मिता की लड़ाई है। सांसद जैसे पद पर हो करके पकौड़ी लाल कोल ने जो जातिगत नफरत फैलाने का काम किया है वह अक्षम्य है। जब तक उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता तब तक क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। कहा कि आने वाले चुनाव में सांसद पकौड़ी लाल कोल का और उनके पुत्र राहुल कोल का दोनों समाज के लोग बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें, इस मौके पर प्रमुख रूप से डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, अमित सिंह श्रीनेत, मृत्युंजय सिंह गहरवार, विवेक सिंह राजपूत, कविता सिंह राजपूत, प्रिंस सिंह राजपूत, श्रवण सिंह राजपूत, श्याम सिंह, त्रिभुवन सिंह, गिरीश पांडे, प्रतीक पांडे, विनीत कुमार दुबे, अंकित दीक्षित, एडवोकेट आकाश प्रताप सिंह, एडवोकेट ब्रिजेश मिश्रा, एडवोकेट राहुल त्रिपाठी, वैभव सिंह गहरवार, संतोष सिंह, शुभम सिंह, कृष्णेन्द्र प्रताप सिंह, आयुष सिंह, आरके सिंह आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए मिर्जापुर से संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। बात किया और जो है इस बात पर आक्रोश व्यक्त किया। हालिया में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हमारे लोगों ने किया, लेकिन मैं एक बात आप कहना चाहता हूँ कि हमारी आपकी अस्मिता का प्रश्न है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर हमारी जात पर, हमारे वर्ग पर कोई हमला करेगा तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। और एक बात मुझे बताइए, अगर कोई ब्राह्मण और कोई क्षत्रिय का बेटा अगर इस तरीके से कहा होता अनुसूचित जाति के और लोगों के प्रति, तो अभी तक उसके विरुद्ध 5 थानों पर मुकदमा दर्ज हो गया होता और पुलिस उसके घर तभी इस मारने पहुंच जाती। और हम लोग सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन अपना सम्मान बेच कर हम सम्मान नहीं करेंगे। पहले FIR हो, वो जेल जाए, उसके बाद कोई बात पूरा समर्थन जो है क्षत्रिय महासभा को है। आप जैसे आंदोलन करेंगे।